शुभमन गिल का रहेगा जलवा। नमस्कार, मैं रिया गुप्ता, आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट। एशिया कप के लिए इंडियन टीम का ऐलान हो चुका है। 17 मेंबर स्क्वाड की घोषणा के बाद तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर बैट्समैन मैथ्यू हेडन ने उम्मीद जताई कि एशिया कप के लिए इंडियन टीम में जगह बनाने वाले शुभमन गिल और तिलक वर्मा जैसे युवा बल्लेबाज प्रभावित करने में सफल रहेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग के बीते सेशन में दमदार प्रदर्शन करने वाले गिल वेस्टइंडीज दौरे पर अपनी फेम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके, जबकि वर्मा ने T20 सीरीज डिबेट करने के बाद अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया। हेडन ने सीट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार समारोह के इतर कहा, खासकर बल्लेबाजी के मामले में प्रतिभाशाली समूह है, यह भारत को जीवित बनाता है। गिल ने अभी तक अपने देश के लिए ज्यादा वनडे क्रिकेट नहीं खेले। तिलक वर्मा ने फॉर्मेट डेब्यू नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह परिणाम देने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा, हमने यही IPL में देखा है, हमने ऐसे खिलाड़ियों को दमदार प्रदर्शन करते देखा है जो उससे पहले गुमनाम की तरह थे, इसीलिए मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि भारतीय क्रिकेट कुछ हाथों में है। हेडन से जब भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर की चिंता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जब आप भारत को मध्यक्रम को देखते हैं तो वहां श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा ने इस सर्वश्रेष्ठ बताया है। हालांकि हेडन ने एशिया कप के लिए लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को नहीं चुनने की बड़ी खबर चूक करार दिया। विशेष रूप से चहल, वह लेग स्पिनर इतना शानदार खिलाड़ी है और यह सिलेक्टर्स के लिए कठिन होगा क्योंकि उन्हें कुलदीप यादव के रूप में एक और खिलाड़ी मिल गया है। वह एक शानदार खिलाड़ी है, इसलिए उन्होंने इसे एक विकल्प के रूप में चुना है। इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे हमारे चैनल फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स में।